नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यात्रियों को सुविधा के लिए दी गई सूत्र सेवा योजना का लाभ रीवा के कुछ प्राइवेट बस ऑपरेटरों को रास नहीं आ रहा है। आए दिन यात्रियों के साथ अभद्रता और मारपीट की स्थिति निर्मित कर रहे हैं। आज सुबह रीवा से जबलपुर चलने वाली सूत्र सेवा में जब 4 से 5 महिला यात्री अपना सामान लेकर बस पर चढ़ने लगी तो प्राइवेट बस के कुछ ऑपरेटर महिलाओं के साथ छीना झपटी करने लगे और बस के मेन गेट पर चढ़कर खड़े होकर बस में यात्रियों को बैठने नहीं दिया गया, जिससे महिला यात्रियों को काफी परेशानी हुई। उन्हें धक्का देकर उतार दिया गया, जबकि नगर निगम के द्वारा प्राइवेट बस ऑपरेटरों और सूत्र सेवा के लिए अलग अलग बसों का बस स्टैंड निर्धारित किया गया है। उसके बावजूद प्राइवेट बस ऑपरेटर जहां पर सूत्र सेवा की बसें खड़ी होती है वहां पर पहुंच जाते हैं और यात्रियों के साथ अभद्रता और अमर्यादित व्यवहार भी करते हैं। आज वह महिला चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मुझे जल्दी पहुंचना है, मुझे इसी बस में जाना है, लेकिन प्राइवेट बस के कुछ चालक और परिचालक उसको बस में चढ़ने नहीं दिए। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यात्रियों को सुगम यात्रा के लिए सूत्र सेवा बस चलाई गई है, जिसका लाभ यात्रियों को मिल रहा है, जो विभिन्न रूटों पर चलाई जाती है। रीवा से सतना, रीवा से छतरपुर, रीवा से जबलपुर, जो काफी कम समय में नॉन स्टॉप चलकर यात्रियों की यात्रा को सुगम बना रही है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।